मस्त व्यू आ रहा है ना एकदम। मैं यहीं पे बैठा हूँ बहुत देर से, खाना पीना खा लिया मैंने, नहा धो के एकदम ऑल सेट। एक तरफा दिन हुआ है, दिन क्या यार, पूरा देखना दोपहर ही हो गई, गर्मी हो रही है। राधे राधे जी। और मैं उदयपुर आया हुआ हूँ फिलहाल, और उदयपुर की शादी अटेंड कर ली हमने ना, मस्त वो शादी बहुत अच्छी थी जो बात है। ये ना व्यू पॉइंट अच्छा है उदयपुर का ना सबसे, मुझे तो ये वाकई में बहुत सही लगा। देखना पूल वूल में मस्त सिस्टम है भाई यहाँ पे। मस्त है व्यू यार, देखो मैं आपको ना फुल देखो एक तरफा। और पता है वो कौन सा पैलेस है? वो है उदय पैलेस, जहाँ पे हार्दिक पांड्या की शादी हुई थी ना, वो वही है यार। मुझे कल रात को ही पता लगा यहाँ पे हार्दिक पांड्या की शादी हुई थी, और काफ़ी सही उदय पैलेस ना, कल रात को इसमें बहुत तगड़ा फंक्शन था, वहाँ से यहाँ तक पूरी फुल लाइटिंग आती थी, मस्त एक तरफा। सही है यार उदयपुर की ना वाइब्स, उदयपुर ना मतलब अच्छा है वाकई में। बाकी शादी ना शादी हो गई में बहुत अच्छा है, उदयपुर जयपुर ये जगह ना शादी हो गई के लिए ना बहुत सही चीज़ है यार, यहाँ पे ना एक तरफा मज़ा आता है। अभी ना मैं आपको एक वो चीज़ वो दिखाता हूँ, एक मैंने देखा था कल, बढ़िया मस्त बैठने करने का सिस्टम है, एक तरफा मज़ा आता है। बाकी ना इसकी जो पता है मुझे ना एक चीज़ का वो सही मिला, मैं जैसे इंजीनियर हूँ तो एक एक साइड व्यू नहीं था, साइड व्यू होटल होते हैं जो, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास साइड व्यू होटल के लिए। मैं ना कल से ना इस होटल में ना कल से देख रहा हूँ कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या हो रहा है इसमें, और किस तरीके से बनाया गया है, कहाँ पे इन्होंने शाफ्ट वगैरह लिए हैं हर होटल के रूम की, मतलब कि जैसे हमारे होते हैं ना बाथरूम वगैरह उनकी शाफ्ट जाती है, जैसे जैसे सफोकेशन वगैरह स्मेल ना हो, तो वो सारी चीज़ें देखी मैंने, बहुत एक तरफ चीज़ भाई। और मतलब डिजाइन नेक्स्ट लेवल है, मज़ा आ गया देख के। और परसों से ना कल परसों से मैं इसी चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ तभी से, बाकी ना मुझे मज़ा आता है यहाँ, छोटा सा गार्डन है यहाँ पे, मस्त है यार जो कुछ भैया। नहीं और ये क्या लग रहा है, मैं आया लेकिन देखा नहीं भैया, ये क्या लग रहा है इधर, चेरी टमाटर, इसे खा सकते हैं क्या, बिल्कुल खा सकते हैं, मेरे को दोगे क्या आप, दोगे ना, थैंक यू भैया। मीठा मीठा सा देना, ये क्या मोगरा है वो, ये क्या चीज़ है, मिर्ची, ये मिर्ची है, मिर्ची में फूल भी आता है, इसे धो दोगे क्या, ये क्या देखो चेरी टमाटर, मस्त है भाई। यहाँ पे बहुत सारी मतलब सही है, ये क्या है, आई थिंक कोई फ्लावर है, एक सेकंड अंकल का फोन आ रहा है, एक सेकंड भैया देखो कितने सारे चेरी टमाटर दे दिए हमें, मज़ा आ गया। हाँ ये सील पैक है ना, सील, ठीक है थैंक यू भैया। अभी ना मस्त खाते हैं, देखते कैसा सिस्टम है इनका। अरे भाई ये तो टमाटर है, मतलब जो टमाटर मतलब है तो बनावटी टमाटर जैसे, और छोटा टमाटर है ये, सही है भाई। अभी ना मैंने कैमरे को चेंज करना, अभी अंकल जी का फ़ोन आ गया कि चलो रूम पे और चेकआउट करना है यार, अपना शादी वादी होगी अब घूमते हैं उधर पर आ जाएंगे, मेरे को ज़्यादा घूमने का मन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि कहीं वैसे फालतू की जगह जाओ, अपने महादेव के पास जाने का मन है मेरा, और सेठ जी, सेठ जी यार, सेठ जी से मिलने जाऊँगा, दिखाऊँगा मैं आपको सेठ जी घूमते हैं, मिलकर आप लोग भी खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मुझे पता है ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि होटल भी दिखाया इसमें और काफ़ी सारी बातें भी की आपसे, इस वजह से मैं क्या वो नहीं दिखा रहा अभी आपको रेस्टोरेंट, मैं बस ऐसे ही, यहाँ सफाई चल रही है बढ़िया मस्त, देखो यहाँ पे फेरे हुए थे रात को, दिन की शादी थी, दिन में हुए थे मतलब। ये व्यू हमारा रूम पर है, चलते हैं रूम में, और पैकिंग वैकिंग पैकिंग तो कर ली थी मैंने भैया, अब गाड़ी में रखा सामान अपना, वो गाड़ी में रखने के बाद चलते हैं घूमने के लिए, बाय। और फाइनल काम रहता है अपने रूम को लास्ट देखने का कि कुछ रहना गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा लैपी रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बाकी ठीक है और कुछ सानी, बाकी हमने ना ऐसी तैसी बहुत चीज़ घूमी ना, ये इसको भी तोड़ दिया, सब कुछ खत्म करके जा रहे हैं, हमने पता है चाय बनाई थी यहाँ पे और चाय पत्ती हमने इसे छानी है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया हमने जो नहीं करना चाहिए था, हमें वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, मस्त तो चेकआउट तो करना है, बाकी ठीक है सब कुछ ऑल ओके, सब कुछ चेक कर लिया, बाकी हमारी नहीं पापा नहीं है, ब्लॉग कर दूँ कि हमारे डॉक्टर साहब बरसाने आते हैं हर महीने फ्री में इलाज, हाँ दे दो एड्रेस, ट्रिम्स रोग आश्रम सुदामाकुटी में महीने के पहले शनिवार रविवार को, अब आऊँगा 6 जनवरी और 7 जनवरी को, बस स्लिप डिस्क का इलाज देता हूँ, सर्वाइकल माइग्रेन लुम्बा स्लिप डिस्क साइटिस, ये डॉक्टर साहब राधे राधे, राधे चाहूँ, राधे राधे जी, राधे राधे, इनको बहुत शौक है राधे रानी का, मतलब इनको हर महीने राधे रानी के पास जाना, बस भैया कितना टाइम लगेगा इसमें नीचे आने में, इसका इसका ध्यान रखना है ना, मैंने आपको बताया लैपटॉप इसमें मेरा, बाकी मैं ये हमारे अंकल आंटी जा रहे हैं, देखो जैकोब ये रूम्स के ना नंबर नहीं है इधर, इधर कोई नंबर नहीं है, इधर ना नाम है, ये रहा फ्रेडी, और बड़ा बहुत गलत सिस्टम है ना, हमारी रेलगाड़ी आ रही है, मस्त मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं एक तरफा भाई हमेशा की तरह,
है ना। चलते थे पहले, बाकी बाय बाय सर। मैं ना जाता हूँ, दोस्ती करने दोस्तों से, सबकी वक्त घटी भाई मैंने। दीपू का रिसेप्शन है और यहाँ से चेकआउट हो गया हमारा, मस्त सस्ता बना पड़ा और हम निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली सब काम हो गया, निपट गया मस्त तरीके से। ये भाई हैं जिनकी शादी हुई है, सही है सब सिस्टम, बढ़िया है। बाकी उदयपुर बढ़िया है, प्राइवेट टेलीफोन बूथ है शोपीस के लिए। ये हमारे श्री एकलिंग जी महाराज, तो बढ़िया मतलब भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे। बाकी फोटो और वीडियो तो लेने नहीं दिया हमें, बाकी मज़ा बहुत आया एक तरफा। एकलिंग जी पे ना देखो उबले हुए सिंगाड़े मिल रहे हैं, उबले हुए ये ना उबले हुए हैं मस्त, जैसे शकलकंदी नहीं होती हमारे यहाँ ऐसे ही है ये। काले का हाँ वैसा टेस्टी है यार, ये बहुत टेस्टी है वैसे तो, मीठा काम है पर लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है देख के। ये एक लिंग जी के पीछे ना झील है, इतनी अच्छी नहीं है, बहुत गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, वहाँ लेडीज ना रही हैं मतलब बिल्कुल ही गंद मचा रखा है। ये देखना ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर इसकी सफाई हो जाए ना, देखो वहाँ पे देखो तुलसी का वो भी है थामरा कहते हैं ना जैसे, यार एक तरफा है वो चीज़ यार, यहाँ कमल वगैरह भी हैं रहे, और ये बहुत पुराना है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने के बाद से ना, ऐसा लग रहा है किसी पुरानी मूवी की फिल्म शूट में आ गया हूँ भाई, मज़ा आ रहा है अंकल जी को सहलाते हुए। गौ से बहुत प्यार है आपको, अमेजिंग। ये ना जो झील के पहले वाला एरिया है, यहाँ पे झील है रही, तो इससे पहले ना एकदम मतलब एक पिकनिक स्पॉट होता है ना, जिस तरीके से बिल्कुल बहुत शानदार है भाई ये। हाँ हाँ सच में देखूँ करके, मैं शूज उतार लेता हूँ फिर पहले। ये देखो भोलेनाथ जी यहाँ के, एक तरफा श्रृंगार हो रहा है देखो भाई, यहाँ बहुत सही है यार हर चीज़। ये नंदी जी हैं, इनसे कोई भी अरदास कर सकते हो आप ना, और ये पूरी होनी ज़रूरी है, इनसे बोलता हूँ मैं कुछ, हर हर महादेव चले। ये है श्रीनाथ जी का मतलब बाजार है, श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए थे अभी हम नहीं। हाँ तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता ना, मोबाइल ना बेल्ट मतलब लेदर वाली कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती। हाय कर, हाय करते इधर। तो अभी मोबाइल निकाला है, दर्शन करके आ चुके हैं, बाकी काफ़ी अच्छा है। श्रीनाथ जी के जो दर्शन है ना, वो गोवर्धन जी महाराज मतलब गोवर्धन पर्वत नहीं थे उनमें से निकले थे, एक संत जी हैं उनका नाम मैं भूल गया, पूरी कहानी सुनाई थी बाकी मैं भूल गया हूँ ना उन्हें इस वजह से, बट लेकिन गोवर्धन जो पर्वत है ना उसमें से निकले थे हमारे श्रीनाथ जी जो है। और अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन थे, बहुत अच्छे वाकई में ये अंकल जी हमारे। अभी ना हम आए हुए हैं सांवरिया सेठ हैं मांडविया वाले, और मान्यता ये बताई जाती है मतलब अंदर फोटो नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं बाहर हूँ, बाहर लेके वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूँ बैक कैमरे से, मैं अपने आपको नहीं दिखाऊँ अभी, पूरे कैमरे से ये कहानी है इनकी कि इनसे ना मतलब जो बड़े बड़े वो होते हैं सेठ लोग होते हैं जिनकी गाड़ी फंस गई हीरे की या फिर किसी चीज़ की भी, कोई भी चीज़ फंस जाती है ना कि कहीं पे भी, तो वो इनको ना अपना वो बना लेते हैं पार्टनर, सेठ जी को सांवरिया सेठ बोलते हैं इनको। तो मतलब करोड़ों का चढ़ावा आता है भाई यहाँ, मतलब जैसे हमारा कोई 10 करोड़ का माल है तो उसमें बोल दिया कि सेठ जी आपके 10% का हिस्सा इसमें, तो 1 करोड़ रुपया यहाँ पे चढ़ाते के जाते हैं वो, मतलब पार्टनरशिप का पैसा दे के जाते हैं भाई। क्या गूज बम्स खड़े हो गए मेरे एक बार तो, ये सेठ जी का मकान है देखो भैया, बट एक बात तो है सेठ जी तो सेठ जी, हमारी सेठानी बगैर कुछ ना है, कितने भी बड़े सेठ हैं वैसे तो, बट लेकिन बगैर सेठानी के कुछ होवे ना है, लेकिन सेठ जी से ही व्यापार की बातें की जा सकती हैं, तो सेठ जी से ही व्यापार की बातें करो तो ये मुनाफा मतलब एक तो आपको काम दिलवाएंगे वही जो मतलब वो काम होना है ना वो करवा भी देंगे आपका, जितने भी जौहरी बड़े बड़े सट्टेबाज और मतलब सट्टे इन द सेंस गुजरात के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं बहुत बड़े बड़े जो भी सब मतलब सारे यहीं आते हैं बाबा से बोलने के मतलब हमारी ये करवाओ काम को, इतना % आपका मुनाफा इसमें भाई, ये काम होता है यहाँ पे, ये सब हमारे साथ के एकदम। सांवरिया सेठ की जय, जय हो सांवरिया सेठ की, राधे राधे। किसी को भी ना सेठ जी से डीलिंग करनी हो तो देखो ये रहा हमारा इसके बार कोड है, यहाँ पे वो डील डन हो सकती है, मतलब अपना पैसा यहाँ पे भिजवा सकते हो। मैंने तो ऑनलाइन फ़ोटो ले लिया प्रभु जी का, एक बार और फोटो ले लेता हूँ ना वीडियो क्लोज करके ना एक बार अच्छे से। ये सेठ जी के मकान का फ्रंट मस्त है भाई, ये सेठ जी का मंदिर है, यहाँ पे कोई भी
अरदास मांगो वो पूरी हो जानी है, और वो तभी होनी है भैया पहले डीलिंग करनी पड़ती है सेठ जी से, बगैर डीलिंग के कोई भी मतलब काम नहीं हो सकता फर्स्टली। बाकी यार ये एक तरफा है मंदिर यार, एक तरफा सनातन धर्म विचित्र है, अद्भुत है वाकई में। सब है हमारे सनातन धर्म में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जय हो सनातन धर्म की।